हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जगमाल स्वामी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर परफेक्ट नर्सिंग एकेडमी में। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारे नेक्स्ट क्लास की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, आज अपन बात करेंगे, आज की क्लास में बात करेंगे अपन ECT के बारे में, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी सबसे पहले बताऊंगा मैं कि कब आई थी 1938 के अंदर। किसने दी थी? कोटेल एंड बिनी ने दी थी। और सब इसके बाद में जो इसके राइट्स हैं, या फिर इसका ऐसे कह सकते हैं कि इसके सेकंड नाम ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी, और इसके राइट्स किससे किसके रिजर्व में है? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। ठीक है, बात करते हैं अपन ECT। ठीक है, सबसे पहले कब आई थी? 1938 के अंदर। ठीक है, इन्वेंशन बाय कॉर्बेट एंड बिनी, क्वालिटी एंड बिनी ने इन्वेंशन की थी 1938 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इट ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी। इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि भाई इसके राइट्स किसके अधिकार में है, किसके द्वारा रिजर्व या कौन डिसाइड करता है? तो इस डिसाइड करता है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। ठीक है, ऑल राइट्स ऑफ ECT रिजर्व्ड बाय अमेरिकन साइकेट्रिक ट्रिक एसोसिएशन। ठीक है, अभी कैन से APA। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक। ठीक है भाई, किसके अंडर इसके राइट्स है, एंड ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी, एंड किसने दी थी? कोलेटी एंड बिनी ने। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें भाई, फर्स्ट टाइम ECT से पहले कंसेंट कब लिया गया था? 1976 के अंदर। और किसने लिया था? APA ने। APA ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, ठीक है, 1976। ठीक है, APA अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन कलेक्ट्स कंसेंट बाय क्लाइंट क्लाइंट बिफोर ECT बिफोर ECT। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जब 1976 के अंदर APA ने इसको लागू किया था, फर्स्ट टाइम कंसेंट किया था। इन 2005 के अंदर WHO ने भी इसके लिए रिकमेंड किया था। ठीक है, 2005 WHO ऑल्सो रिकमेंड ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर कलेक्ट कंसर्न्ड बिफोर ECT बिफोर ECT। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं, ये हो गया WHO। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने किया था इन 2010 के अंदर। ठीक है,
है। टेन के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए एक्ट पास किया था, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट ऑल्सो पास एक्ट फॉर कंसर्ट बिफोर ईसीटी, बिफोर ईसीटी, ठीक है। ये हो गया इसका बेसिक, इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन पार्लियामेंट ने 2010 के अंदर ईसीटी एक्ट या ईसीटी कंसेंट एक्ट पास किया था, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये हुआ इसके बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डेफिनेशन ऑफ ईसीटी, ठीक है। डेफिनेशन, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो यानी कि कोई ब्रीफ सीजर्स आर प्रोड्यूस इंक्लाइंट बाय अप्लाइंग ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन टेम्पोरल बोन बिटवीन द हेमिस्फीयर, यानी कि ब्रेन के हेमिस्फीयर के तरफ इलेक्ट्रोड अप्लाई करके जो सीजर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं ऊपर, उसको अपन क्या बोलते हैं, ईसीटी, ठीक है। ग्रैंड माल सीजर्स, ग्रैंड माल सीजर्स, सीजर्स आर प्रोड्यूस प्रोड्यूस इंक्लाइंट बाई अप्लाई अप्लाई द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड ऑन टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन बिटवीन हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, बिटवीन हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, ऑफ ब्रेन, ठीक है। ये हो गया इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि ईसीटी एक फिजिकल थेरेपी का टाइप है, या फिर कैन से की एग्जांपल ऑफ फिजिकल थेरेपी। ईसीटी एक फिजिकल थेरेपी का टाइप है, उदाहरण है। ईसीटी टाइप ऑफ फिजिकल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, ठीक है। ये हो गया इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट अपन बात करें इंडिकेशन की, ईसीटी कब कब देते हैं, ठीक है, आप कब कब दे सकते हैं। इंडिकेशन इंडिकेशन फर्स्ट इसका इंडिकेशन है सीवियर डिप्रेशन, सुसाइडल आइडियाज, ठीक है, एंड्रोजिनस डिप्रेशन, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, ठीक है, एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स। ये हो गए इसके इंडिकेशन, इनके अंदर अपन ईसीटी दे सकते हैं। फर्स्ट है सीवियर डिप्रेशन, ठीक है, एंड सुसाइडल आइडियाज, यानी पेशेंट के माइंड में सुसाइड करने के लिए आइडियाज आ रहे, तब अपन ईसीटी दे सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वन एंडोजिनस,
डिप्रेशन, एंडोजीनस डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है, किसी भी आउटसाइड स्टिमुलाई की वजह से जो डिप्रेशन आ रहा है उसको अपन बोलते हैं एंडोजीनस, या ठीक है, जैसे एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, एमनोरिया, ठीक है, पेनफुल मेंशंस, ठीक है, यानी कि जो भी आउटसाइड स्टिमुलाई की वजह से हुआ डिप्रेशन आएगा उसको अपन बोलते हैं एंडोजीनस डिप्रेशन। नेक्स्ट इंडिकेशन है इसका बाइपोलर डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, ये हो गए इसके इंडिकेशन की, इन इन कंडीशन के अपन अंदर अपन ईसीटी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब कब ईसीटी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो बात करते हैं अपन कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ठीक है, फर्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन इंक्रीज आईसीपी, यानी आईसीपी बड़ी हुआ है उस कंडीशन के अंदर अपन ईसीटी अप्लाई नहीं कर सकते, इंक्रीज आईसीपी, ठीक है, आईसीपी है कोई भी हार्ट प्रॉब्लम, यानी पेसमेकर एसए नोड, और हार्ट का पेसमेकर कौन होता है, एसए नोड, ठीक है, कोई भी पेसमेकर प्रॉब्लम हो, ठीक है, एमआई, ऐसे सिचुएशन में अपन नहीं दे सकते, पेसमेकर एबनॉर्मलिटी, ठीक है। थर्ड वन एमआई, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में किसमें मेनली, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों, क्योंकि ऑर्गन डेवलपमेंट या ऑर्गन कब बढ़ते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट ओल्ड एज, ओल्ड एज, ओल्ड एज में कब, जब कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम हो पेशेंट को, तो व्हेन कार्डियक प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम, ठीक है, कार्डियक प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर कहाँ का, मेनली फेस बोन का, फेस बोन, ठीक है, फेस बोन, ये हो गए इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन में ये चार, इंक्रीज आईसीपी, पेसमेकर, एमआई एंड ब्रेन ट्यूमर के अंदर अपन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इनको अपन बोल सकते हैं प्राइमरी या फिर एब्सोल्यूट, ठीक है। ठीक है, एब्सोल्यूट इनके अंदर अपने को अप्लाई करना ही नहीं है, इनके अंदर प्रेगनेंसी, ओल्ड एज एंड फ्रैक्चर के अंदर फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वैसे नहीं करना है लेकिन फिर भी कर सकते हैं, तो इनको अपन बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ये हो गए अपने कॉन्ट्रा इंडिकेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी ईसीटी की, कितनी फ्रीक्वेंसी, किस कंडीशन के अंदर कितनी ईसीटी देंगे, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ईसीटी वीक के अंदर 3 टाइम दे सकते हैं, वो भी अल्टरनेटिव डेज पे, मतलब
एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, थ्री ई सी टी इन ए वीक ऑन अल्टरनेटिव डेज, थ्री ई सी टी इन ए वीक ऑन अल्टरनेटिव डेज, एक वीक के अंदर तीन ई सी टी अपन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सीवियर डिप्रेशन के अंदर अपन दे सकते हैं 6 to 8 ई सी टी, 6 to 8 इन सीवियर डिप्रेशन, इन सीवियर डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन 8 to 12 ईसीटी इन, 8 to 12 ईसीटी इन कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, ठीक है, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर 8 to 12। नेक्स्ट, 20 to 25 इन क्रोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर, 20 to 25 इन क्रोनिक सिजोफ्रेनिया इन क्रोनिक सिजोफ्रेनिया, क्रोनिक सिजोफ्रेनिया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अमाउंट ऑफ करंट, यानी अपन कितना करंट दे सकते हैं, अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट, तो इसका 70 से 130 वोल्ट, 70 to 130 वोल्ट, ठीक है। लेकिन इसको कुछ कंडीशन के अंदर अपन एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, और एक्सटेंड कितना कर सकते हैं, 150 तक इट। और एक्सटेंड कब करेंगे अपन, पेशेंट लिथियम थेरेपी ले रहा हो या फिर सीजर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हो, तब अपन इसको करंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं 150 वोल्ट तक, ठीक है। इट कैन बी एक्सटेंड अप टू 150 वोल्ट, ठीक है, इन इफ पेशेंट टेकिंग लिथियम थेरेपी एंड सीजर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हो, एंड सीजर्स आर नॉट प्रोड्यूस, ठीक है, यानी सीजर्स प्रोड्यूस नहीं हो रही हो और पेशेंट क्या ले रहा हो, लिथियम थेरेपी, तो अपन करंट को कितना बढ़ा सकते हैं, 150 वोल्ट तक इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली कितना है, 70 to 130 वोल्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ईसीटी, सॉरी फ्रीक्वेंसी हो गया, ड्यूरेशन, बेसिकली इसका ड्यूरेशन है 6.62 सेकेंड,
टाइम ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन कितना है बेसिकली 0.62 सेकेंड वन सेकेंड ये हो गया इसका बेसिक टाइम। लेकिन इसके लिए भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिनके अंदर अपन इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन क्या है, सीजर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हो एंड एंड लिथियम थेरेपी ले रहा हो तो अपन इसको टाइम भी बढ़ा सकते हैं और कितना एक्सटेंड कर सकते हैं 1.2 सेकंड तक इसको अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सटेंड अप टू 1.2 सेकंड इफ पेशेंट taking lithium therapy lithium therapy and seizures are not produced इन दो कंडीशन के अपन अंदर करंट को बढ़ा सकते हैं और कितना बढ़ा सकते हैं 1.2 सेकंड तक, ठीक है। और लिथियम थेरेपी की मैं बात करूं, लिथियम थेरेपी कब देते हैं, मेनली मेनिया के अंदर। मेनिया की क्या है ड्रग ऑफ चॉइस, क्या है लिथियम। और ये क्या करती है, जो साइकोमोटर एक्टिविटीज है उनको कम करती है या जो स्टिमुलेटिंग माइंड स्टिमुलेटिंग है उसको क्या करती है डिप्रेस। नेक्स्ट अपन बात करें टाइप ओपीसीटी, ईसीटी क्या है दो टाइप के, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल टाइप्स। ठीक है टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ ईसीटी, फर्स्ट वन यूनिलेटरल, सेकेंड वन बाइलेटरल। ठीक है फर्स्ट अपन देखते हैं यूनिलेटरल। ठीक है यूनिलेटरल सिटी के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रोड है वो एक साइड के अंदर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड अप्लाई ऑन वन साइड ठीक है और इलेक्ट्रोड एक ही साइड में प्लेस करेंगे वो जो सिंगल साइड है वो कौन सी साइड होगी, नॉन डोमिनेंट साइड। ठीक है नॉन डोमिनेंट साइड कैसे, जैसे राइट हैंडेड है तो राइट हैंडेड के अंदर अपन राइट हैंड साइड ही अप्लाई करेंगे। तो आप कहेंगे सर नॉन डोमिनेंट साइड कैसे होगी, देख ठीक है राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड का ब्रेन कौन सा एक्टिव होता है, लेफ्ट साइड ब्रेन डोमिनेंट होता है। ठीक है यानी अपोजिट साइड का ब्रेन क्या होता है डोमिनेंट। ठीक है अपने को हैंड को नहीं देखना है, ब्रेन को देखना है कि नॉन डोमिनेंट साइड ब्रेन को। ठीक है तो अप्लाई ऑन नॉन डोमिनेंट साइड। ठीक है
एग्जाम्पल जैसे राइट हैंड जिसका डोमिनेंट है, राइट हैंडेड, राइट हैंड डोमिनेंट डोमिनेंट अप्लाई ऑन राइट साइड, अप्लाई ऑन राइट साइड, राइट साइड, क्यों? क्योंकि जिस साइड का, जिस साइड का हैंड डोमिनेंट होता है तो ब्रेन उसका अपोजिट साइड का डोमिनेंट होता है। तो अगर राइट हैंडेड डोमिनेंट है तो ब्रेन होगा लेफ्ट हैंडेड, और अपने को अप्लाई किस साइड करना है, नॉन डोमिनेंट साइड। तो राइट हैंडेड का नॉन डोमिनेंट कौन सा हुआ, राइट साइड ऑफ ब्रेन, ठीक है, राइट साइड ऑफ हेमिस्फीयर। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी साइट, ठीक है, या फिर इसके क्या है, लेस इफेक्टिव है, लेस इफेक्टिव एंड लेस कॉम्प्लिकेशन, इसके इफेक्ट भी कम आ रहे हैं और कॉम्प्लिकेशन भी कम है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन कम है ये अच्छी बात है, लेकिन अपन क्यों दे रहे हैं, इफेक्ट के लिए, और इफेक्ट है इसके लेस, तो ये आजकल रेयर यूज होती है, ठीक है, इट इज यूज इन रेयर यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है, इट इज रेयर यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है, अब देखते हैं इसकी साइट, इसकी साइट क्या होगी, साइट, साइट ऑफ यूनिलेटरल ईसीटी, इसकी साइट होती है सुप्रा ऑर्बिटल एरिया, यानी दिस वन अबाउ द आई, ठीक है, दिस वन अबाउ द आई, सुप्रा यानी ऊपर, ऑर्बिटल यानी आई, सुप्रा ऑर्बिटल एरिया, सुप्रा ऑर्बिटल एरिया क्या है, इसकी साइट है। नेक्स्ट ये हो गया अपना यूनिलेटरल, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाइलेटरल एसीटी। बाइलेटरल एक तो नाम से पता लग रहा है, बाइलेटरल यानी दो, यानी बोथ साइडेड, इसके इलेक्ट्रोड क्या होंगे, दोनों साइड अप्लाई होंगे, बाइलेटरल, बाइलेटरल, ठीक है, नाम से पता चल रहा है बाई यानी दो, ठीक है, लेटरल यानी लेटरल साइड, ठीक है, इलेक्ट्रोड प्लेस ऑन बोथ साइड ऑफ टेम्पोरल बोन, बोथ साइड ऑफ टेम्पोरल बोन, ऑफ टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन, ठीक है, ये क्या है, इट इज मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, इट इज मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, ठीक है, यानी आजकल जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर यूज की जाती है वो कौन सी सीटी है, बायलेटरल, ठीक है, ये क्या है, मोर इफेक्टिव,
मोर इफेक्टिव है, अच्छी बात है, बट ये क्या है इसके साथ ही मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोर कॉम्प्लिकेटेड यानी इसके कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, और समटाइम क्या हो जाता है ड्यूरिंग द ईसीटी कंफ्यूजन हो जाता है पेशेंट के अंदर, या पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कंफ्यूजन ड्यूरिंग ईसीटी, सफरिंग फ्रॉम कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ठीक है ड्यूरिंग ईसीटी, ड्यूरिंग ईसीटी ठीक है, और ये कंफ्यूजन क्या होता है 1 week to 6 month के अंदर रिकवर हो जाता है, नहीं जो मेमोरी लॉस होती है वो होता है 1 week to 6 month के अंदर रिकवर, कंफ्यूजन आफ्टर ईसीटी रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है ठीक है। इसकी साइट देखे अपन, साइट ऑफ बाइलेटरल ईसीटी, साइट इसकी साइट क्या है बाई टेम्पो पैराइटल रीजन यानी बोथ टेम्पो यानी टेम्पोरल वॉल, टेम्पो पैराइटल रीजन, पैराइटल रीजन या अपन इसको बाई टेम्पो टेम्पो पैराइटल जंक्शन भी बोल सकते हैं। बाई टेम्पो पैराइटल क्या क्या हुआ यानी जहां पे टेम्पोरल बोन एंड पैराइटल बोन का जंक्शन हो मिल रही हो उसको अपन बोलते हैं बाई टेम्पो पैराइटल रीजन, तो ये बोथ साइड दोनों साइड में यहीं पे यूज होगी, और ये क्या कहाँ होती है जस्ट अबाउ द या वी कैन से कि 1 inch अबाउ द ईयर ठीक है ट्रेगस ऑफ ईयर एंड टू आउटर कैंथस ऑफ आई ठीक है आउटर कैंथस ऑफ दिस वन आउटर कैंथस ऑफ आई एंड वन ट्रेगस से 1 to 1.5 inch अबाउ यानी दिस एरिया ठीक है इस एरिया के अंदर अपन दोनों साइड में अप्लाई करेंगे तो ठीक है 1 to 2 इंच अबाउ द मिड पॉइंट ऑफ ट्रेगस ऑफ ईयर मिड पॉइंट ट्रेगस ऑफ ईयर ईयर के मिड पॉइंट के ट्रेगस के मिड पॉइंट से टू आउटर कैंथस ऑफ आई आउटर कैंथस ऑफ आई ठीक है ये होगी इसकी साइट यानी अपन इलेक्ट्रोड कहां अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें कि ये हो गया टाइप्स, नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निक ऑफ ईसीटी, किस किस टेक्निक से अपन ईसीटी को अप्लाई कर सकते हैं वो क्या कहलाएगी टेक्निक ऑफ ईसीटी। ईसीटी की दो टेक्निक होती हैं, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड वन इज नॉन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट डायरेक्ट ठीक है सेकंड वन इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट।
ठीक है, डायरेक्ट की मैं बात करूँ, नाम से ही पता लग रहा है यानी डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट की मैं बात करूँ तो विदाउट एनी एनेस्थीसिया, ठीक है, यानी कोई भी अपना एनेस्थीसिया, मसल्स रिलैक्सेंट, कोई भी ड्रग्स नहीं देंगे, सिर्फ डायरेक्ट अपन क्या कर अप्लाई करेंगे, ईसीटी अप्लाई करेंगे, उसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट ईसीटी या डायरेक्ट टेक्निक, ठीक है। ईसीटी एडमिनिस्टर या अप्लाई, ईसीटी अप्लाई विदाउट एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया एंड मसल सिलेक्सेंट रिलैक्सेंट या एंटीमेटिक वगैरह कुछ भी अपन अप्लाई नहीं करेंगे, ईटीसी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें इनडायरेक्ट टेक्निक ऑफ ईसीटी। इनडायरेक्ट में क्या होगा, यानी इसमें विदाउट है तो इसमें विद, एनेस्थीसिया, मसल्स रिलैक्सेंट, एंटीमेटिक, ठीक है, और भी अपन जो ड्रग्स हैं उनकी अपन नेक्स्ट अभी बात करते हैं। डायरेक्ट ईसीटी एडमिनिस्टर, ईसीटी एडमिनिस्टर विद एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया एंड विद मसल्स रिलैक्सेंट, मसल्स रिलैक्सेंट, ठीक है, एंटीमेटिक्स ईटीसी, ठीक है। इनके अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में बात करेंगे नहीं कौन कौन सी अपन ड्रग अप्लाई करते हैं। तो सेकंड वन इज इट आल्सो नोन एज मॉडिफाइड ईसीटी, दिस इज वन इज कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछा जाएगा कि कौन सी ईसीटी है जिसको अपन मॉडिफाइड ईसीटी कहते हैं। तो क्या आंसर होगा, इनडायरेक्ट ईसीटी, ठीक है, ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड ईसीटी, मॉडिफाइड ईसीटी, ठीक है, ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड ईसीटी। एंड इसमें अपन क्या अप्लाई करेंगे, एनेस्थीसिया, मसल्स रिलैक्सेंट, ठीक है, ये हो गया अपना इनडायरेक्ट ईसीटी। एंड इट इज मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, इट इज मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है। क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है, ये हो गए। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस या कौन सी सिटी मोस्ट कॉमन यूज होती है। अगर ऑप्शन में दिया हुआ हो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ठीक है, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, ठीक है, तो अपन को क्या देंगे आंसर, इनडायरेक्ट, ऐसा इनडायरेक्ट है। एंड ऑप्शन के अंदर इनडायरेक्ट नहीं हो और क्या हो, बाइलेटरल, यूनिलेटरल एंड डायरेक्ट एंड अदर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें अपन आंसर करेंगे बाइलेटरल, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है, ये हो गई अपनी टेक्निक ऑफ ईसीटी। देखिए फ्रेंड्स, क्लास काफी लंबी हो चुकी है, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इसका पार्ट टू, ईसीटी का पार्ट टू अभी बनाएंगे, उसके अंदर बात करेंगे, ठीक है, रोल ऑफ नर्स और कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं ईसीटी के अंदर, ठीक है, एंड उनका क्या क्या फंक्शंस होता है, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी, और रोल ऑफ नर्स के अंदर अपन देखेंगे प्री, ड्यूरिंग ईसीटी एंड पोस्ट ईसीटी, तीनों तरह से अपन नर्सिंग रोल देखेंगे, ठीक
ठीक है ना, एक नर्स की क्या क्या भूमिका होती है सिक्योरिटी के अंदर, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये क्लास पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारी नेक्स्ट क्लास की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको हो, और इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे कि अपनी क्लास का सभी को फायदा मिल सके। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी।